नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई विदेशों की। हाँ, विदेशों की बात करते हैं। ये उस विदेश ने, ये देश ने, उसने ये कर दिया, उसने ये छूट दे दी, उसने प्रतिबंध लगा दिया, उसने ये फलाना ढिमका। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंडिया की। जी हाँ, इंडिया ने भी भाई अपने देश है, अपने देश की भी तो पता होना चाहिए ना कि अपना देश भी विदेशों पर कौन से पे प्रतिबंध लगा रहा है, किसको छूट दे रहा है, कौन कौन से देशों के लोग इंडिया आ सकते हैं। उसमें सबसे बेनिफिट ये है कि इन देशों में इंडियन लोग भी रहते हैं, उनको भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। जी हाँ, तो भाई डिटेल से हम बात करेंगे कि भाई इंडिया ने कितने देशों के यात्रियों को इंडिया आने के लिए छूट दी है, इजाज़त दी है, उनको क्या फॉलो करना होगा, कौन से देशों पे अभी भी बैन लगा के उन्होंने रखा है। भाई वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रख सकते हैं ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इंडिया में भैया वर्ल्ड में अगर बात करें तो लगभग 207 या 8 कंट्री हैं, उनमें से 99 आप समझ सकते हैं 99 ऐसे देश हैं जिनको इंडिया ने छूट दी है 14 नवंबर से। जी हाँ, जो इंडिया आ सकते हैं बिना किसी इजाजत के, उनको इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, ये एक अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये 99 वो देश हैं जिनको छूट दी है, जिन्होंने इंडिया को छूट दे रखी है। जो इंडिया का जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, उन्होंने ये बात बताई थी अपने बयान में कि हमने उन्हीं देशों को छूट दी है जिन्होंने अपने हमें छूट दे रखी है। जी हाँ, उनको सिर्फ क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी 72 घंटे। जी हाँ, उनका आरटीपीसीआर टेस्ट, उनके पास रिपोर्ट होनी चाहिए, बाकी उनको छूट मिल गई है, बिना आप वो आराम से एयरपोर्ट्स के बाहर निकल सकते हैं। जी हाँ, भारत ने बता दूं 99 कंट्रीज को ए कैटेगरी में रखा है, बाकी कुछ 7-8 कंट्री ऐसी हैं जो रेड रिस्क कैटेगरी में रखी गई हैं, जिसमें बांग्लादेश, चीन, सिंगापुर सहित यूरोप के देश हैं, यूके, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, मॉरिशस, जी न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे सहित यूरोप के जो भी देश हैं उनको एड रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। यानी ये लोग अगर अपनी इंडिया में आते हैं तो इन लोगों को एयरपोर्ट के बाहर निकलने से पहले टेस्ट का रिपोर्ट, इनके पास टीका होना चाहिए, बाकी उनके पास कोविड रिपोर्ट होनी चाहिए, बाकी 14 दिन अपना खुद का ध्यान इनको रखना पड़ेगा। जी हाँ, बाकी 99 कंट्रीज के लोग हैं, उनको कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इंडिया आए, एयरपोर्ट से बाहर सीधा निकल सकते हैं। जी हाँ, ये अच्छी बात है। आप लिस्ट में भी देख सकते हैं कि भाई ये 99 कंट्रीज ऐसी हैं जिन को इंडिया ने छूट दे रखी है। अब मुंह से तो बताना संभव नहीं होगा, आप साइड में स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अब इसमें बेनिफिट ये भी होगा भाई, इन देशों में इंडिया के बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, अगर वो इंडिया आते हैं तो पहले इनको क्वारंटाइन होना पड़ता था 14 दिन के लिए, अब डायरेक्ट पीसीआर रिपोर्ट लेके आएंगे और वो निकल जाएंगे। जी हाँ, ये जो 7-8 कंट्री है जिसमें चीन, बांग्लादेश मैंने बताया एट रिस्क वाले, इनके पास पीसीआर रिपोर्ट होने के साथ साथ टीका जो WHO से मान्यता प्राप्त है वो लगना होना जरूरी है, तभी उनको इंडिया में एंट्री मिलेगी, वरना इनको एंट्री नहीं मिलेगी। जी हाँ, भारत को भी ये देश छूट दे रहे हैं, इसीलिए भाई स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में बताया कि भाई हमने उन्हीं के साथ समझौता किया था पहले भी, जो पिक कोरोना में भी हमें बहुत सारे देशों ने इजाजत दे रखी थी, जो समझौता हुआ था कोरोना प्रतिबंध छूट में। जी हाँ, काफी सारे देश ऐसे भी हैं जो WHO मान्यता प्राप्त हैं, जो सर्टिफिकेट के साथ भी इंडिया को मान्यता दे रहे हैं, इंडियन लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी हाँ, यूरोप में भी बहुत सारे देशों में क्वारंटाइन का सिस्टम हटा दिया, जैसे यूके में अभी क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है, सीधे लोग जा रहे हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी साथियों, इंडिया ने 99 कंट्रीज भी जो क्वारंटाइन वाला सिस्टम था वो हटा के डायरेक्ट इंडिया में वो लोग आ सकते हैं, जैसे हम लोग दुबई वगैरह में जाते हैं। आईओपी जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।